न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पहली खबर उन्नाव से, जहां लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आरटीओ ऑफिस के बाहर फिटनेस के लिए आई जेसीबी में तेज रफ्तार डंपर टकरा गया। इस दौरान जेसीबी के पास खड़े चार लोग चपेट में आ गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पर वहीं मौजूद लोगों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उन्नाव में आरटीओ की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के किनारे आरटीओ ऑफिस के बाहर फिटनेस के लिए खड़ी करवाई गई जेसीबी में तेज रफ्तार डंपर टकरा गया, जिसकी वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर एआरटीओ ऑफिस के पास एक डंपर ने राजमार्ग के किनारे खराब पड़ी जेसीबी में टक्कर मार दी, जिसमें जेसीबी के पास खड़े एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा तीन लोग घायल हो गए। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पीएम हेतु भेजा गया है। डंपर को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के मलाक हरहर के पास स्थित एक मार्बल की दुकान का एक दिन पहले चोर दिन दिहाड़े गल्ले का लॉक तोड़कर गल्ले में रखा 2 लाख रुपए उड़ा ले गए। घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फाफाबाऊ पुलिस ने सेल्समैन की तहरीर पर एक नामजद 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मलाक हरहर चौराहे के पहले चांदपुर गांव के सामने मंगला एसोसिएट की मंगला ग्रेनेड की दुकान है। दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन निशांत दुबे का आरोप है कि बुधवार को शाम करीब 6 बजे वो दुकान पर था, तो तभी एक युवक उसकी दुकान पर आया और अपना नाम हिमांशु आर्य, जो कि काशीराम योजना कॉलोनी फाफामऊ का था, बताया और ग्रेनेड देखने के बहाने की बात कही, जिस पर वो काउंटर छोड़कर ग्रेनेड दिखाने चला गया। इसी बीच उसका साथी दुकान में घुसकर काउंटर के गल्ले का ताला तोड़कर गल्ले में रखा 2 लाख रुपए चुराया और फरार हो गए। कुछ देर बाद सेल्समैन ने गल्ले का ताला टूटा देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। खबर गोंडा से, जहां केसरगंज से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी करण भूषण शरण सिंह का मामला दिन बर दिन गर्मा रहा है। बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के काफिले से 2 लड़कों रेहान और शहजाद की दर्दनाक मौत हो गई थी। उनके काफिले के फॉर्चुनर वाहन, जिसमें पुलिस स्कॉट लिखा हुआ था, उसने 3 लोगों को रौंद दिया था, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी। इस पूरे मामले में आनन फानन में पुलिस ने फॉर्चुनर के ड्राइवर लवकुश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। करण भूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। वहीं इसको लेकर सांसद ब्रजभूषण ने जहां एक ओर मीडिया से दबंगई भरा जवाब दिया और कहा कि उनके बेटे का काफिला बहुत दूर था, लड़के अपनी गलती से हादसे का शिकार हुए थे, करण की छवि को धूमिल किया जा रहा है, तो वही करण भूषण ने भी सफाई देते हुए कहा कि उनका काफिला दूर था और जब पता चला कि उनके साथ के वाहन से एक्सीडेंट हुआ है तो उनके सहयोगी इलाज और अंतिम संस्कार तक साथ रहे। वही करण ने भी मीडिया पर छवि खराब करने का आरोप लगाया। तो 3 किलोमीटर का अंतर था, 3-4 किलोमीटर उनकी गाड़ी आती थी। अभी कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना, आप अपराधी बना दीजिए अभी। तो बट एटीट्यूड हमेशा से यही रहे कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो पहले ही बोल दो तो अपराधी बना दो। तो आपको पता है कि वो बच्चे पहले एक महिला से लड़े, महिला से लड़ने के बाद उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर के जा करके टकराई है और उसमें 2 बच्चों का निधन हो गया है। घटना दर्दनाक, मतलब दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन रिस्पांसिबिलिटी लेगा ड्राइवर। इस घटना की सच्चाई जो आप वहाँ पे पता करेंगे, मीडिया की तरफ से जो दिखाया गया, मुझे बहुत बड़ा विक्टिम दिखाया गया। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों किस तरह का जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगा। बात यह हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उस महिला से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे, रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होके दूसरे साइड गिर गए और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। ये सच्चाई है और फिर बाद में मीडिया में दिखाया जा रहा कि तीन लोग को, और बल्कि मैं था भी नहीं, और जब मुझे जानकारी हुई मैं अपने प्रोग्राम में पहुंच चुका था, मैंने वहां से अपनी गाड़ी भेजी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाले विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में मतदान के लिए श्रद्धालुओं मतदाताओं को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि 7वें और अंतिम चरण का मतदान वाराणसी समेत 57 लोकसभा सीटों के लिए होना है। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष शशांक मिश्रा, सचिव हनुमान यादव, सदस्य अरुण अग्रवाल समेत काशी के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे।
दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती माँ गंगा की प्रातः और सायंकालीन जो महाआरती होती है, उसी आरती में आज जो है मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। लगभग 1100 दीपकों से जो है वो लिख करके 100% मतदान का वो है जो हम लोगों ने लोगों को प्रेरणा दी कि आप मतदान जरूर करिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए आप सभी लोग जरूर से मतदान करें। और भगवती माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये जो सभी चुनाव का जो ये लोकपर्व का महापर्व है, लोकतंत्र का जो महापर्व है, वो सकुशल सम्पन्न हो। बहराइच में हिंदी पत्रकारिता दिवस के पावन मौके पर गुरुवार को केडी डिग्री कॉलेज सभागार में कलाम फाउंडेशन उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन बहराइच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी सम्मान समारोह में पत्रकारिता जगत में खबरों के लेख टीवी चैनल हिंदी समाचार पत्र में पहचान की वजह से जकी सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि जकी सिद्दीकी न्यूज वर्ल्ड इंडिया चैनल के लिए लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ खबरें भी दिखाते हैं, खबरें चलाते हैं, ग्राउंड जीरो पर भी बने रहते हैं और जन जन की आवाज उठाते हैं। आपको बता दें कि जकी सिद्दीकी बहराइच से हमारे संवाददाता है और इन्हें अंगवस्त्र देकर माल्यार्पण के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ की रहने वाली किशोरी देवी अपनी बेटी प्रदीप महतो और बेटी सरिता के साथ छपरा से हरिहर एक्सप्रेस वे में बैठी थी और चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई, लेकिन वाराणसी पर जाते ही किशोरी देवी और उसके बेटे प्रदीप की तबीयत बिगड़ गई। सुल्तानपुर पहुंचने पर तत्कालीन रेलवे से उतारा गया और जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां किशोरी देवी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रदीप महतो की तबीयत अभी भी खराब है। डॉक्टर की माने तो आशंका है कि हीट वेव के चलते घटना हुई है। बहरहाल पोस्टमार्टम के लिए मृतक महिला का शव भेजा जा रहा है। एक मरीज आया है, मरीज का मृत अवस्था में एक शव आया है, तो जो सस्पेक्टेड है कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, उस वजह से उसको मॉर्चरी में रखाया गया जा रहा है। उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा कि क्या कारण है उनकी मौत का। उसके साथ कोई और भी मरीज? हाँ, उनके साथ जो आए हैं उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड ही है ना, बेटे हैं, उनके बेटे हैं और उनकी भी कंडीशन सही नहीं है, शॉक में है। बैटबॉल खेलते हुए युवकों में हुई मारपीट, युवकों को गांव के युवकों ने जमकर पीटा। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गजौला थाना क्षेत्र के लीसड़ी गांव का ही पूरा मामला है। अरे बैट बॉल खेल रहे बच्चे। अच्छा। हाँ, तो गेड़ी चला रहे थे, छोटा वाले घुमा रहे थे। हाँ, इन दोनों में होकर अपने जो हमारा गाँव का जिससे लड़ाई हुई है वो अपने भैया को और पापा को बुला कर लिया है। इसको तीन चार बंदे थे, वो कहाँ के थे? वो लड़ाई गई गाँव की हमारे। अच्छा, जो अभी आपने पुलिस से शिकायत की इसकी? जी की है। बरेली रेलवे जंक्शन परिसर में लगी भीषण आग। जानकारी के मुताबिक एसी का कंप्रेशर फटने से भीषण आग लगी है। तेज गर्मी और बढ़ते तापमान की वजह से एसी का कंप्रेशर फटा है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमसीओ डिपार्टमेंट में भीषण आग लगी। फतेहपुर जिले में ललौली थाना के बहुआ कस्बे के शांतिनगर में मोबाइल चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि पीड़ित मोबाइल दुकानदार ने पुलिस से बताया कि बीते 6 फरवरी को दीवार से नकाब काटकर चोरों ने 42 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश की, शिनाख्त की है और इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार चोरों पर पहले से ही 14 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। आज बीती रात थाना लोली पुलिस द्वारा घटना में सम्मिलित अभियुक्त, जिसका नाम छत्रपाल बटेरा पुत्र जुगराज केवट है, को गिरफ्तार किया। जो घटना में सम्मिलित था जो है, इसे कब्जे से लगभग 23 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए हैं और यह एक शातिर किस्म का अभियुक्त है। एक अंतर जनपदीय अपराधी है, जिसके विरुद्ध लगभग 15 मुकदमे हैं, जिसके द्वारा जनपद फतेहपुर बाना में कई चोरी घटनाएं कार्य की गई हैं। इस घटना में एक व्यक्ति है जिसने इसमें मुखबिरी किया था, उसका भी नाम प्रकाश में लाया गया है, उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। अमेठी में देर रात ओवर स्पीड बेकाबू ट्रेलर की चपेट में आने से आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में कई चोटे लोगों का इलाज चल रहा है। ओवर स्पीड अनियंत्रित ट्रेलर ने खड़ी गाड़ियों में टक्कर मारी थी। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हादसे की चपेट में आ गई।
क्रॉसिंग बंद होने के चलते रोड के किनारे खड़ी थी दर्जनों गाड़ियां। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुल्तानपुर जिले के पारा बाजार के पास के रहने वाले हैं एक ही परिवार के मृतक। कमरौली थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग का एक पूरा मामला। झांसी के कानपुर हाईवे पर पुष थाना क्षेत्र में शताब्दी बस असंतुलित होकर खाई में पलट गई। बस के पलटी बस में सवार यात्रियों में छिटपुकार मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से मोड़ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। पूरा मामला पुष थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर डेरी की पुलिया के पास मौजूद एक ढाबे का है, जहां कानपुर से सूरत की ओर जा रही शताब्दी बस जैसी पुष थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर डेरी की पुलिया के पास पहुंची, तभी शताब्दी बस संतुलित होकर खाई में जा पलटी। पुंच झांसी कस्बा में सुबह दो ट्रकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ईंटे से भरे ट्रक का चालक बुरी तरह से फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस बल द्वारा ट्रक में फंसे चालक को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं टक्कर के बाद दोनों ट्रकों को कैबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। झांसी में कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा गांव गेट बाहर फर्नीचर के गोदाम में सुबह भीषण आग लग गई। सार्वजनिक की घटना में 3 से 4 लाख की कीमत का माल जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। गोदाम में आग से एक बेगनार कार और मशीन भी जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक गणेश मढ़िया में रहने वाले कालू विश्वकर्मा का फर्नीचर का गोदाम बड़ा गांव गेट बाहर शमशान घाट के पास है। आपको बता दें कि वो सुबह उसे सूचना मिली कि गोदाम में धुआं निकल रहा है, आग के लपटे उठ रही हैं, उसकी गाड़ियां उसका माल पूरा जलकर राख हो गया। पता नहीं सुबह करीब जो है वो 5:30-6 बजे करीब फोन आया है कि हमारे गोदाम में आग लग गई है। काय का गोदाम है? ये फर्नीचर का जो है चितम्बरा कॉलोनी जो है सूजी का बिल्कुल बाहर। कितने तक क्या क्या चल गया है इसमें? जो है एक बैगनार गाड़ी थी और 3 मशीनें थी, जनरेटर था और करीब करीब जो है 15 से 20 लाख रुपए की लकड़ी थी। लखनऊ में डकैती की योजना अंजाम देने से पहले बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए। राजेश नामक बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। अभी हाल ही के दिनों में जेल से बदमाश रिहा हुआ था। जिम मालिक के घर डकैती की योजना बना रहा था बदमाश। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दो साथी सागर और रंजीत फरार हो गए। चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित देवा रोड पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश को अरेस्ट किया। आपकी जानकारी में रहना चाहूंगा, आज 31/5 को मुठभेड़ के द्वारा सूचना मिली थी, अपहरण चौकी क्षेत्र में एक स्थान पर कुछ बदमाश बैठ करके लूट की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर चिन्हर और क्राइम टीम के द्वारा बदमाशों की तलाश में मौके पर जाकर के तलाश की गई तो बदमाश वहां से भाग निकले। इस चीज में बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई और राष्ट्रीय कॉलेज मटियारी में आकर के इसके फील्ड में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और बाकी दूसरे बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। महोबा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को मारी जोरदार टक्कर। जूस का ठेला लगाने वाले व्यक्ति की दर्दनाक मौत, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। व्यक्ति की मौत से परिवार में कोहराम है। एक महिला की हालत नाजुक है, महिला को गंभीर हालत में हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। मृतक के शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के डाक बंगला के समीप आइसर एजेंसी के पास की पूरी घटना। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिले के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी ने कहा कि पत्रकार देश और समाज को जोड़ने वाली पत्रकारिता करें। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक अखबार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अखबारों को समाज से अलग कर दें तो शून्य नजर आता है। उन्होंने युवा पत्रकारों से शहीद भगत सिंह के पत्रों और उनकी जीवनी को पढ़ने की अपील की है। कहा कि हिंदी के साथ साथ उर्दू पत्रकारिता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान ने कहा कि समाज में अखबारों के महत्वपूर्ण योगदान है, समाज के लिए समर्पित होकर पत्रकारिता करें। उन्होंने अच्छाइयों को अखबार में जगह दी है, जिससे दूसरे लोग भी इसे प्रेरित हो। महोबा में भीषण गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा अनोखी पहल देखने को मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में झुग्गी पिटवाक कर प्रशासन हीटवेव से बचाव को लेकर मुनादी करवा रहे हैं। महोबा जनपद में दिन ब दिन पारा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आसमान से बरसती आग के कारण रोजाना बड़ी संख्या में हीट स्ट्रोक के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। 3 दिनों के अंदर 15 लोगों की मौत हो गई है हीट वेव से। आपको बता दें कि इस वजह से प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, किसी तरह के इंतजाम किए जाए। ऐसे में लोगों को जागरूक भी करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रशंसनीय पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। गांव में मुनादी कराकर लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है और एहतियातन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लोग अपने घरों पर ही रहें।
अपील ये लगातार की जा रही है ताकि हीट वेव के प्रकोप से बचा जा सके। जैसा कि देख रहे हैं इस बार टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी का प्रकोप भी जो है पूरे प्रदेश भर में ज़्यादा है। उसी क्रम में महोबा में लगातार हम लोग हीट वेव और लू के संबंध में एडवाइजरी भी लगातार जारी की जा रही है। साथ ही साथ जहाँ पब्लिक में जैसे हमारे आपदा मित्रों के माध्यम से पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है, इसके अलावा गाँव में डुग्गी पटवा करके और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा गर्म जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब जो है बाहर ना निकलें और बहुत ही निकलना बहुत आवश्यक हो तो अंगोछा रख करके और प्रॉपर पानी। रायबरेली में जागते रहो क्योंकि पुलिस यहां की सो रही है। बेखौफ चोरों ने देर रात एक के बाद एक दो घरों को निशाना बनाया। सोने चांदी के जेवरात नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। पूरा मामला मिलीरिया क्षेत्र के अंतर्गत सराय बुरला गांव का है जहां पुलिस के रास्ते गश्त की पोल खुल गई। बेखौफ चोरों ने दो घरों में निशाना बनाया। आपको बता दें कि यहां पर लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। सोने चांदी के आभूषण भी है। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन रात गश्त की पोल जरूर खुल गई है। अमेठी के शुक्लू थाना क्षेत्र के निवासगढ़ अहमदपुर गांव का ही पूरा मामला जहां सुबह पिकअप सवार चोर में सुरजीत की बहन चुराने की कोशिश की थी। इसी बीच खटपट की आवाज सुनकर सुरजीत की आंख खुल गई और वो बाहर निकला तो देखा कि चोर भैंस को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चोरों को देख सुरजीत ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे। मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई। ग्रामीणों को अपनी तरफ आता देख चोर पिकअप लेकर भागने निकले। किसान सुरजीत ने बताया कि एक चोर गाड़ी चला रहा था और दो मुंह ढक कर लाठी लेकर पिकअप के पीछे वाले हिस्से में खड़े थे। पीछा कर रहे ग्रामीणों को लाठी से मारकर भगाने की कोशिश कर रहे थे। किसान सुरजीत के ऊपर पिकअप चढ़ाने की भी कोशिश की जिसमें मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई। किसान को हल्की चोटें आई हैं। चोरी की हुई दो भैंस छोड़कर भाग खड़े हुए। लगभग 5 किलोमीटर पीछा किया। इसके बाद पाली गांव के पास पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।